नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से दिल्ली की तरफ रुकी है और राहुल गांधी यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत से ये कहते हुए गए हैं कि आपसी मतभेद को लाइए और एक बार फिर से एकजुट हो जाइए, और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि दिव्या मदेरणा को लेकर भी यही दावा किया गया कि कहीं ना कहीं सीएम पद वह चाहती हैं, इस वजह से यहाँ पर राहुल गांधी के साथ वह कदम से कदम मिलाती हुई चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई बार शामिल हो चुकी हैं दिव्या मदेरणा, और अब देखा जाए तो यहाँ पर दिव्या मदेरणा जिस तरीके से गहलोत सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, इसके बाद दिव्या मदेरणा पर भी लगातार यहां पर अब बयान देना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा लगातार कांग्रेस के निशानों पर बनी हुई हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो बयान दिए और बगावत पार्ट 3 में सरकार के खिलाफ बोलने वाली दिव्या मदेरणा पर पाली से पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ ने भी निशाना साध दिया। हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा दोनों नेताओं को स्वार्थी बताया। आपको बताते चलें कि सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, और ऐसे में देखा जाए तो पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ ने हरीश चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस हरीश चौधरी को सीएम अशोक गहलोत उंगली पकड़कर राजनीति में लाए थे, आज वह हरीश चौधरी बयान दे रहे हैं उन्हें शोभा नहीं देता। मैंने साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, उस वक्त हरीश चौधरी ने भी मेरे साथ ही चुनाव लड़ा था। उस समय मैं हरीश चौधरी के प्रचार में गया था, तब हरीश चौधरी ने खुद कहा कि अशोक गहलोत के मुकाबले कोई आदमी नहीं, और उन्होंने आपको भी टिकट दिया, मुझे भी। आज हरीश चौधरी कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी की मदद कर रहे हैं। बयान से मुझे काफ़ी ठेस पहुंची, काफ़ी दुख हुआ है। हरीश चौधरी को ये बयान शोभा नहीं देता, उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की वजह से आप इस जगह पर हो। हरीश चौधरी को क्या नहीं दिया गया, उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया, महासचिव बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बने, और हरीश चौधरी आज यहाँ पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर उन्होंने और भी तमाम बातें कही। मालूम हो कि यहां पर पंजाब से कांग्रेस प्रभारी विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला था। राजस्थान में एक तीसरी पार्टी भी थी जो मुख्यमंत्री की प्रायोजित थी। हरीश चौधरी का इशारा यहां पर बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी की तरफ, RLP की तरफ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व सांसद बद्री जाखड़ ने दिव्या मदेरणा के नाम को लेकर कहा कि वे कह रही हैं कि अशोक गहलोत ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश नहीं माना। मैं किस मुंह से ऐसी बात वह कह रही हैं, उनसे पूछो कि जब जिला का प्रमुख वोट हुआ था उनकी माता ने कहां पर वोट दिया। दिव्या ने सीएम अशोक गहलोत के बारे में जो भी बोला वह गलत कहा। दिव्या हमेशा लोकसभा चुनाव के समय पार्टी का विरोध करती हैं, मेरे लोकसभा चुनाव के समय में भी विरोध में रहती थी, वह कौन सी दूध की धुली हुई है, यह सब लोग अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं। उन्होंने इस तरह से दिव्या मदेरणा पर निशाना साध दिया, कहा कि उनसे पूछो कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उस समय मदेरणा कहाँ थी, मैं उस समय कमरे में उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। अशोक गहलोत की सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, उन्होंने ये कहा था। इस तरह से यहाँ पर दिव्या मदेरणा पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। देखना होगा कि दिव्या मदेरणा यहाँ पर अब क्या कुछ जवाब देती हुई नजर आती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजस्थान की सियासत में लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर दिव्या मदेरणा लगातार अपनी बात रखती हुई भी दिखाई दे रही है पायलट के समर्थन में। अब देखना होगा कि राजस्थान का अगला सीएम किसे बनाया जाएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।